बीएसपी लीडर छगन भुजबल की शिंदे को नफीहत है। देखिए छगन भुजबल वो भी महाराष्ट्र के सीनियर नेता है, एनसीपी के कद्दावर नेता है। उन्होंने याद दिलाया शिंदे को इतिहास, शिंदे को ईगो छोड़कर डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करना चाहिए। आप पहले सुने छगन भुजबल को उन्होंने क्या नसीहत दी। जो शपथ ग्रहण है पता चला सिर्फ 3 लोग यानी कि मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री का होगा। लग रहा है अभी भी एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बारे में कुछ पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा रहा। लगता है इसको टाला जा सकता था या जरूरत थी टालने? नहीं बिल्कुल, देखिए कोई शख्स जो है मंत्री होता है उसका मंत्री पद जाता है तो नाराज होता है, ये जो मनुष्य स्वभाव है। और कोई एक नंबर पर बैठा है मुख्यमंत्री के तौर पर और काम कर रहा है और उसको कहा जाए कि नहीं तुम 2 नंबर पे जाओ तो उसको दुख होना कुछ स्वाभाविक है, गलत तो है नहीं है। मगर जो वास्तविकता है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस भी उसके पहले मुख्यमंत्री थे और करीबन के 105 एमएलए थे और शिंदे साहब भी 40-45 कुछ एमएलए लेकर ज्वाइन हुए। तो लगता तो हमको ये था कि शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री बने और फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पर हुआ क्या, बहुत शॉकिंग था कि उन्होंने कहा, निर्णय ये हुआ कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस समय भी जो है फिर देवेंद्र जी ने कहा कि नहीं मैं बाहर रहकर इस सरकार को सब मदद करूंगा, पार्टी का काम करूंगा। फिर ऊपर से जो है निर्देश आया कि नहीं नहीं आपको जो सरकार में रहना है और उप मुख्यमंत्री के हाथ नाते काम करना है। तो उस समय उनको भी तो कुछ दिल को चुभा होगा कि भाई ऐसे कैसे, फिर भी उन्होंने उस निर्देश का सम्मान किया, उप मुख्यमंत्री बने और पूरे दिलो जान से जो है वो उन्होंने काम किया। और आप देख रहे हैं कि आज भाजपा के एक पक्ष के सिर्फ 132-133 जो विधायक चुनकर आए, तो तभी उनको भी तो दुख तो हुआ होगा। अब इनको भी दुख होना स्वाभाविक है।